मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग भारत और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में लगा है, लेकिन कितने ही खलीफा और उस्ताद आ जाएं, ये देश की अखंडता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कितने ही उस्ताद और खलीफा आ जाएं, भारत देश की अखंडता को कोई कुछ नहीं कर सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देश और आंदोलन को भी बदनाम कर रहे हैं, ये कृपा करें भारत को बदनाम न करें। जितने भी खलीफे और उस्ताद आ जाए, देश की अखंडता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारत मजबूत राष्ट्र है, ये सच है, लेकिन जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो इस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से 26 जनवरी की घटना घटित हुई, तरह का अपमान करने की, ये समझने नहीं करते। भारत मजबूत था, है और रहेगा, और इसलिए कृपा करें भारत की तरफ या भारत को बदनाम करने की कोशिश न करें, अन्यथा परिणाम भी दुष्कारी होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।